महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दारू पिण्यासाठी पैसे दिले नाही म्हणून दोन गांजाड्यांनी तरुणांवर वार करून जखमी केल्याची घटना उल्हासनगरच्या हिल्लाईन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. कॅम्प नंबर 5 तानाजीनगर परिसरात सुभाष वांजडे यांच्या खोलीत भाडेतत्वावर राहणारे गोरेलाल सरोज आणि सिबोध दिवाकर हे टॉयलेटसाठी शेजारी असलेल्या सार्वजनिक शौचालयाला गेले असता त्या ठिकाणी दोन गांजाड्यांनी गोरेलाल यांचा मोबाईल हिसकवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला प्रतिकार केला. तसेच दारू पिण्यासाठी पैसे दे अशी मागणी केली. ते दिले नाही म्हणून आरोपी नितीन सनी श्रीवास्तव आणि सनी झुंजारराव या दोन गांजाड्यांनी कटरच्या साह्याने गोरेलालवर वार केलं. दरम्यान त्या ठिकाणावरून गोरेलाल याने जीव वाचवण्यासाठी धावत घरी आला. त्याच्या मागावर असलेल्या दोन गांजाड्यांनी घरात घुसून पुन्हा गोरेलाल याच्या पोटावर, कानावर आणि पाठीवर वार करत जखमी केले. तसेच मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या सिबोध दिवाकर यांच्या पोटावरही वार करून जखमी केले आहे. सध्या गोरेलालवर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. या प्रकरणी हिल्लाईन पोलिसांनी आरोपी नितीन श्रीवास्तव आणि सन्नी झुंजारराव या दोन गांजाड्यांना बेड्या ठोकल्या आहे. या घटनेचा अधिक तपास पोलीस नाईक जरग करत आहे. सर, मेरा नाम गोरेलाल, मैं काम से छूट कर गया लैटरिन. लैटरिन हो के नीचे आया, उसके बाद मैंने उसको पैसा दिया 70 रुपये. पहले 50 दिया, बोला छुट्टा नहीं है. फिर 20 दिया, फिर छुट्टा नहीं, तो उसने चढ़ आया. मैं मुझे कॉलर पकड़ लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, 2-3 जगह चाकू मार दिया मुझे. फिर मैंने उससे जान बचा के भागा. उसके बाद फिर मेरे पीछे पीछे रूम पे आया, फिर रूम पे 2-3 लोग को मारा, मुझे भी मारा, फिर चाकू. ऐसा सर बात हुआ, वो सनी था सर, और दो लड़के का नाम नहीं मालूम. उनके हाथ में भी चाकू थे, तीनों लोग के हाथ में चाकू ही थे. सुबोध दिवाकर मेरा नाम है. क्या हुआ? उस संडास में गए थे उधर बाथरूम करने के लिए, तो उधर से जब नीचे उतरे तो पैसा वैसा छीने झपटी किए, फिर उसके बाद उनका मोबाइल छीन लिए. फिर वो भी अपना मोबाइल छीन के भागे थे. तीन लोग का दिन वापस में आए, का फिर एक साथ में आ गए यहाँ पे रूम पे चाकू लेके. का फिर जब मारने के लिए आया, मैं उसको बोला तो फिर मेरे यहाँ पे पेट में मार दिए यहाँ पे. फिर उसके बाद ऊपर चढ़िया है, मैं उधर नीचे भाग गया, तो ऊपर चढ़ के आया तो फिर उसके कान में मारा, फिर इधर हंगामा किया. फिर उसके बाद नीचे उतर के आया, फिर उधर सब लोग डरा रहा था, फिर उसके बाद मारने का दौड़ रहा था. फिर सब लोग भाग गए, तो वो आया तो फिर उसके बाद हम लोग भाग गए बाहर, फिर वो निकल लिए बाहर. मेरा नाम दीपक है, और मेरे पास 5-6 लोग रहते थे, और गोरेलाल ने संडाक की ओर गया और ननका. उसने उधर एक चर्सी वाले ने पैसा मांगा 50 रुपये, उसने नहीं दिया. फिर उसके मोबाइल छीनने की कोशिश की, फिर उसके बाद में उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चाकू लेके आया. और उसके बाद में सुबोध ने नीचे से बोला कि नीचे जाने का नहीं, तो उसने क्या बोला कि तेरे से मतलब नहीं है, उससे मतलब है. उसने रूम में मुँह धोते समय उसके कान में चाकू और पेट में मार दिया. उसके बाद में फिर उसको नीचे भेजा तो वह भाग गया. किधर मार दिया? यहाँ पर मारा था, और इधर पीछे मारा था, और कान में मारा था, चाकू मारा था. कितना पैसा लिया उसने? 50 रुपये मांग रहा था, फिर उसके बाद मोबाइल छीना था. जब उसके बाद मोबाइल नहीं दिया ना, तो उसका पीछा कर लिया था. वहाँ पे आज भी उसको मारा था गोरेलाल को 4-5 फेट. उसके बाद में पीछा कर लिया, तो रूम पे आया, रूम पे चढ़ के उसने कान में मार दिया. जब कान पर मार दिया ना, तो उसने हम लोग बोला कि नीचे उतर जाओ. जब नीचे नहीं उतरा ना, तो भाग गया मार के. और हमको भी मतलब नीचे गए ना, तो हमको भी चाकू पा गया, तो हमको पेट में मारने की कोशिश किया, हम भी भाग गए तुरंत वहाँ से. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.